नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल डेमोक्रेटिक वायर में और आपके साथ मैं हूं महक। आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे अपील है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर लें और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों अभी तक तो सिर्फ आपने वेब सीरीज का सीजन 2 फिल्मों का पार्ट 2 ही सुना होगा, लेकिन अब यात्रा का भी सीजन 2 हो सकता है। दरअसल कांग्रेसियों के मुताबिक कांग्रेस नेता राहुल गांधी जल्द ही भारत जोड़ो यात्रा का सीजन 2 लेकर आ सकते हैं। खबर यह है कि कांग्रेस ने राहुल गांधी से एक बार फिर से भारत जोड़ो यात्रा करने के लिए कहा है, लेकिन इस बार यह कहा जा रहा है कि भारत जोड़ो यात्रा पूरब से पश्चिम का रुख करेगी, जबकि पहली भारत जोड़ो यात्रा ने दक्षिण भारत से उत्तर की ओर रुख किया था। दरअसल 21 दिसंबर को कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई थी, जिसमें पार्टी नेताओं ने लोकसभा चुनावों के लिए अपनी रणनीति, विधानसभा चुनावों में प्रदर्शन और संसद में विपक्षी सांसदों के निलंबन समेत बाकी मुद्दों पर चर्चा की। वहीं इस मीटिंग के बाद कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने बताया कि बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राहुल गांधी से कहा कि उन्हें पूरे भारत के पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं से राय मिल रही है कि उन्हें पूर्व से पश्चिम तक दूसरी भारत जोड़ो यात्रा शुरू करनी चाहिए, यात्रा पर जल्द ही फैसला लिया जाएगा। केसी वेणुगोपाल ने बैठक के बारे में जानकारी दी कि हमने कई मुद्दों पर चर्चा की। पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजे, 2024 का संसदीय चुनाव और संसदीय मुद्दे समेत देश की मौजूदा राजनीतिक स्थिति, लोकसभा चुनाव के लिए मैनिफेस्टो समिति की घोषणा अगले एक दो दिन में कर दी जाएगी। साथ ही आपको बता दें कि पहली भारत जोड़ो यात्रा 7 दिसंबर 2022 को तमिलनाडु के कन्याकुमारी से शुरू हुई थी और 23 जनवरी 2023 को श्रीनगर में समाप्त हो गई थी। ये पद यात्रा तकरीबन 126 दिनों तक चली थी और ये पद यात्रा 12 राज्यों के 75 जिलों से होकर गुजरी और साथ ही ये भारत के सबसे लंबी पद यात्राओं में से एक मानी जाती है। साथ ही कांग्रेस का ये भी मानना है कि भारत जोड़ो यात्रा की वजह से ही उन्होंने कर्नाटक में जीत हासिल की। राहुल गांधी लगभग 21 दिन कर्नाटक में ही रहे थे। चलिए दोस्तों फिलहाल के लिए इतना ही, अगली बार फिर करेंगे आपसे मुलाकात किसी दूसरी खबर के साथ। तब तक के लिए आप हमें कमेंट कर ये बताइए कि आपको हमारी पत्रकारिता कैसी लगती है और साथ ही अब जाते जाते वीडियो को भी लाइक जरूर कीजिएगा।